बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा विरोध प्रदर्शन, रोड पर जलाया चूल्हा। बसंत कॉलोनी में ढही दीवार, चपेट में आई महिला घायल, जारी है इलाज। लंबा और लंबा होता इंतजार, बन रहा लावा, संयुक्त मोर्चा बड़े आंदोलन की तैयारी में। और प्रभु श्री कृष्ण हुए 6 दिन के, भक्तों ने मनाया छठी का पर्व, प्रभु को परोसे 56 भोग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। पिछले एक माह के भीतर रसोई गैस के दाम 50 रुपए तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में गरीब रसोई गैस के सिलेंडर भरवाए या फिर राशन खरीदे, यह संकट उनके सामने है। आम आदमी की समस्या को लेकर जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने आज अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। रसोई गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में शहर के वार्ड क्रमांक 21 में बीच सड़क पर लकड़ी का चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया गया। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने बीच सड़क पर जलाए चूल्हे पर खाना पकाकर खाया। प्रदर्शन के दौरान जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान, अजय सिन्हा, राकेश अग्रवाल, उषा राउत, सपना वर्मा, विनोद सूर्यवंशी, इरफान मंसूरी, शानू कुरैशी सहित बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं वार्डवासी उपस्थित थे। जब ये आपके वोट मांगने आए तो जरूर पूछिए, भैया सिलेंडर क्या हाल है, क्या पेट्रोल काम हो गया, क्या पैसे मिले हमें, ये सारी बात करनी होगी। क्या हमारी मजदूरी कार्ड बना, क्या हमारे गरीबी का कार्ड बना, ये पूछे उनसे। क्यों नहीं बन पाया, क्या आपका घर कैसे महल जैसे बन गया, ये पूछे। अब पूछना, भैया आपने तो मुझे बताया था रसोई गैस 400 रुपए लगी, लेकिन रसोई गैस के 900 रुपए हो गए हैं। बड़े बड़े नेता बहुत सारी बातें करते थे, उज्ज्वला योजना की बात करते थे, पहले हमें बताया फ्री में मिलेगी, आज भी पैसे लगने लगे। हमारे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं, और गरीबों के लिए हमेशा वो चिंतित होते हैं कि गरीबों का हम लोग कितना अच्छे से अच्छा काम करें, इनको कितनी योजना का लाभ दिलाए। आज बढ़ती हुई गैस के दामों के बढ़ोतरी के को लेकर हमने आज वार्ड नंबर 21 में लकड़ी का चूल्हा जलाया, गरीब जनता को, पूरी गरीब जनता को बुलवाया, उनको वहाँ पर लकड़ी के चूल्हे में हमने खाना पकवाया, और लोगों से पूछा गया कि क्या तुम्हारे अच्छे दिन आए हैं, सबने बोले हैं कि अच्छे दिन नहीं आए हैं। उजला योजना के अंतर्गत आज देखेगा गैस के दाम कितने बढ़ गए हैं, गरीब लोग मोहताज हैं। आज लकड़ी के दाम भी 700 रुपये से क्विंटल से ऊपर हो गए हैं, गैस के दाम भी बहुत हो गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी हो गए हैं, बिजली के दाम हो गए हैं। इसके लेकर आज हमने धरना आंदोलन वार्ड नंबर 21 में किया, और हमारे साथ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सपना वर्मा, उषा राउत, शानू कुरैशी और रशीदा आपस सहित सैकड़ों के तादाद में वहां लोग थे। बसंत कॉलोनी में एक गृहिणी अपने घर में रोजमर्रा के काम कर रही थी कि तभी लगभग 20 फीट ऊंची दीवार अंदर की ओर आ गिरी, बचने के लिए भी मौका ना मिला। इस घर की हालत देखकर उस भयानक क्षण की कल्पना से ही किसी की भी रूह कांप जाए। घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ितों ने बताया कि वो इस आशंका से कई बार पड़ोसी को शिकायत कर चुकी थी। दीवाल पे पानी गिर रहा था बाजू वाले के छत का, 3 साल से गिर रहा, मैं उनको समझा रहा हूँ भैया पानी गिर रहा है, आप पाइप लगाइए, नहीं लगाया इनने, और आधा पाइप लगाया भी तो आधा पाइप खुल गया। उसके बाद में मेरी मैडम खाना बना रही थी, दीवाल तिड़क आ गई और वो निकलने के लिए नहीं हुई, खाने बनाते बनाते दीवाल अचानक गिर गई तो उनके पीठ में पूरा जोड़ दर्द।
कहाँ ले गए हैं? भिंद्रा जी के यहाँ भर्ती है एडमिट। कितने लोग हैं ऐसे घायल हुए? घायल सिर्फ एक ही है मैडम भर। अच्छा, आप क्या मिस्टर? जी मेरी मिस्टर्स। क्या नाम है उनका? चैना सूर्यवंशी। आपका नाम क्या? रविंद्र सूर्यवंशी। एड्रेस बताइए। बसंत कॉलोनी। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की एक विशेष बैठक आज लघु वेतन कर्मचारी संघ के कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में संयुक्त मोर्चा के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं तहसील अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा विगत माह में 3 चरणों में आंदोलन किया गया, जिसमें 29 जुलाई को प्रमुख मांगों जैसे 16% महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति आदि को लेकर प्रभावी रूप से सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन किया गया, जिसमें वेतन वृद्धि का आदेश तो सरकार ने जारी किया किंतु एरियर्स की राशि लंबित रखा है। संयुक्त मोर्चा ने सरकार को मांगों के निराकरण हेतु पर्याप्त समय दिया ताकि सरकार कर्मचारी संगठनों से संवाद कर पदोन्नति एवं महंगाई भत्ता जैसे गंभीर विषयों पर निर्णय ले सके, किंतु शासन ने कोई आदेश जारी नहीं किया और न ही कर्मचारी संगठनों से संवाद किया। ऐसी स्थिति में प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। अनिश्चितकालीन आंदोलन के संबंध में एवं शासन को नोटिस दिए जाने हेतु प्रदेश स्तर पर भी 8 सितंबर को बैठक आयोजित की जा रही है। कि वो सब रूप से संयुक्त मोर्चा संघ को पूर्ण अपना सहयोग प्रदान करें, हौसले बुलंद करें और इस कार्यक्रम को आगे से आगे हम लोग सामने रखें। जब जब बैठक होगी हम सभी लोग उपस्थित होंगे। जब हड़ताल निश्चित होने वाली है तो उसके लिए आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, इस पर भी हम एक उच्च स्तरीय रखेंगे, उस पर विचार करेंगे। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला छिंदवाड़ा की कार्यकारिणी में जो हमारे पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं, उनकी आज हमने बैठक आयोजित की है। बैठक का उद्देश्य यह है कि विगत 3 चरणों में कर्मचारी अधिकारियों की मांगों के संबंध में शासन को विभिन्न स्तर से ज्ञापन दिए गए। 29 जुलाई को भी एक दिन का सामूहिक हड़ताल लेके पूरा प्रदेश बंद हुआ था, जिसके एवज में शासन ने एकमात्र वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए, किंतु वो भी अपूर्ण है, जिसमें एरियर भुगतान के कोई आदेश नहीं थे। पुनः शेष मांगों के लिए हमारे संघ के पदाधिकारियों ने जैसे महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, वेतन वृद्धि, एरियर और पदोन्नति, इन मांगों पर शीघ्र आदेश जारी करने का हमारे पदाधिकारियों ने निवेदन किया था, किंतु शासन स्तर से अभी तक इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, ना ही महंगाई भत्ते की किस्त जारी हुई है। 16% लंबित हम चल रहे हैं, केंद्र के समान हमारी महंगाई भत्ते की मांग है। शासन को नोटिस देने के बावजूद भी अभी तक कोई आदेश इसमें हुए नहीं है। आगामी 8 तारीख को प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की रणनीति तैयार हो रही है, उसी परिपालन में और उस आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए किस तरह इस आंदोलन को सफल किया जाए, उसके एवज में हमने यहाँ आज बैठक आयोजित की है। और 8 तारीख को जो भी निर्णय होगा उसके बाद एक बार पुनः हम लोग यहाँ बैठक आयोजित कर निर्णय लेंगे कि आगामी हमारी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की रणनीति क्या होगी। आज पूरे जो 53 हमारे संगठन जो संयुक्त मोर्चा में शामिल है, सभी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है और सभी ने एक मत होकर यह निर्णय लिया है कि आगामी अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल की रणनीति बनती है तो हम सभी तैयार हैं। धन्यवाद। जिला पंचायत सीईओ ने आज बैंकर्स की बैठक लेकर राज्य एवं केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए बिंदुवार चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। छूट दिया हो क्योंकि इसको प्रमोट करना है, जहाँ भी प्रमोट करने वाली बात आती है वहाँ पे इनफेक्ट यहाँ पे चल ये रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो हमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति सक्षम है, हम उसे कन्विंस करते हैं कि नहीं देखिए आप कर सकते हैं, आप करिए इसको क्योंकि हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जब आके हमसे कह रहा है कि नहीं मुझे लोन दे दो और मतलब वो जबरदस्ती, बल्कि हमको उसको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि भाई आप कर लो, आप कर सकते हो, रोजगार बढ़ जाए, अल्टीमेटली ये सब घूम फिर रोजगार पे आ रहा है। भाई हमें भी पता है, मतलब इसलिए मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि करो, हमारा उद्देश्य है कि रोजगार बढ़े। अल्टीमेटली वो सब कुछ घूम के जो आ रहा है ना, ये जो MSME और ये सब, वो अल्टीमेटली आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के, आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अब
कोई भी देख लीजिए, SRLM देख लीजिए, पहले स्वरोजगार स्कीम बहुत सारी चलती थी आप लोगों में, तो वो सब कहीं ना कहीं वो आप भैंसों के लोन कितने होते थे पहले, और भैंस का लोन का क्या, वो थोड़ी बना रहा उस पैसे का उतना सफल नहीं हो पाई, इसलिए तो ग्रुप वाला सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट आया। जिला कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष एवं अनुशासन समिति के सदस्य स्वर्गीय मिलिंद नाडकर के असामयिक निधन होने पर आज सेवा दल ने राजीव भवन में एक शोक सभा का आयोजन कर अपने साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले, सांसद नकुल नाथ के निज सचिव संजय श्रीवास्तव सहित श्रीमती सतवंत कौर, पंकज शुक्ला, पप्पू यादव, राकेश मरकाम, दीपक वाजपेयी सहित अन्य उपस्थित कांग्रेस जन ने विनम्र श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी अल्पकालिक सरकार के शुरुआती दिनों में ही राज्य के गुरुओं शिक्षकों के प्रति अपने निर्णयों अपने कार्यों से शिक्षकों की भावनाओं का सम्मान कर दिखाया था। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर उन सार्थक निर्णयों की याद जरूर आई। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों के तबादले किए, तबादले पहले भी होते रहे हैं, इन तबादलों के पीछे का जो मकसद होता है वो मकसद होता है कर्मचारियों को सुविधा देना, लेकिन इस बार जो तबादले हुए उसमें कर्मचारियों को परेशानियों में ढकेल दिया गया है। इससे पहले कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में जो तबादले हुए थे उन तबादलों से कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौटी थी। पहली बार 50,000 शिक्षकों के तबादले आदिम जाति और शिक्षा विभाग से मिलाकर किए गए थे, वो ऐसे तबादले थे जो 15 साल से मध्य प्रदेश की सरकार ने रोक के रखा था। यानी कमलनाथ सरकार ने शिक्षकों को घर पहुंचाने का काम किया था, इस बार उन्हीं शिक्षकों को किए गए तबादलों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी जो है अपने घरों से दूर हो गए हैं। हम लोगों ने इस संबंध में सरकार को भी चिट्ठी लिखी, अधिकारियों को भी चिट्ठी लिखी कि द्वेषपूर्ण भावना से किए गए तबादलों को निरस्त किया जाना चाहिए, तबादले कर्मचारियों की सुविधा के लिए है। कमलनाथ जी ने जिस तरीके से तबादले करके कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी थी, सरकार ने वो मुस्कुराहट को वापस ले लिया है। हम इन तबादलों का को गैर जरूरी मानते हैं और इन्हें वापस लेने की मांग करते हैं। छोटा तालाब मेला स्थल पर गुब्बारे की गैस के सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से घायलों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राहत दी गई है। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के माध्यम से घायलों के लिए सहायता राशि पहुंचाई, जिसमें से एक घायल रमेश पिता जेठू यादव को भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने 1,00,000 रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा है। छोटा तालाब में गैस सिलेंडर फटने की उस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और 4 लोग घायल हुए थे। उस समय घटना की जानकारी लगते ही भाजपा जिलाध्यक्ष घायलों को देखने जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रभारी मंत्री कमल पटेल से बात कर मृतकों के परिजनों और घायलों को सहायता देने की मांग की थी, जिनकी मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने मृतकों के परिजनों को 4,00,000 रुपए और गंभीर घायलों को 1,00,000 और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की सहमति जताई थी। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने रमेश पिता जेठू यादव को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,00,000 रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, नगर निगम सभापति अभिलाष गौहर, जित्तू राय, नायब तहसीलदार विक्रम ठाकुर उपस्थित थे। पिछले दिनों गैस सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और 4 लोग घायल हुए थे। उस घटना के तत्काल बाद में जिला अस्पताल गया था, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी से मैंने चर्चा करी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घायलों को 1,00,000 रुपये देने की घोषणा करी थी और आंशिक घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा करी थी एवं जिनकी मृत्यु हुई उनको 4,00,000 रुपये देने की घोषणा की हुई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घायलों का 1,00,000 रुपये का चेक हमारे द्वारा वितरित किए गए और आज इनको यह राशि दी गई है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने जल्दी घायलों को यह राशि दिलवा दी, जिससे उनका इलाज समय पर हो रहा है और शासन के द्वारा भी उनका इलाज मुफ्त करवाया गया। पुलिस ग्राउंड में प्रारंभ टैलेंट सर्च अभियान का समापन आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सम्मान समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। मैं शुरुआत में ही आरआई साहब की बात को थोड़ा सुधारना चाहूँगा, ये 26 तारीख से शुरू नहीं हुआ था, उसके भी 10 दिन पहले शुरू हो गया था।
ये 10 दिन की मेहनत नहीं है, लगभग 3 सप्ताह की मेहनत है। और ये 10 दिन जो थे निश्चित रूप से आप लोगों की परीक्षा के दिन थे, और अंतर विभागीय समन्वय का जो बेजोड़ उदाहरण इसमें देखने को मिला है उसकी दूसरी तुलना नहीं की जा सकती। अपनी दैनिक कार्यवाहियों में कई बार ऐसे शिकायतों से दो चार हो जाएंगे, चोरों से मुलाकात होगी हमारी, किसी अन्य अपराधी से मुलाकात हो जाएगी, या तमाम तरह की दूसरी परिस्थितियां होती हैं, परंतु शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ, खेल विभाग के अधिकारियों के साथ, जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, ये जो रोजाना का जो अंतर संबंध रहा है, ये एक नया अनुभव था आपके लिए भी और अधिकारियों के लिए भी जो इस कार्य में लगे रहे थे। मैं आप लोगों को जितनी भी बधाई दूं इस बात के लिए कम है। मध्य प्रदेश में सत्यनारायण डिहरिया सर, तालियां बजाते रहे कृपया। सलमान खान दुबे सर, सौरभ पोकर, अंकित चौहान, आशीष चौहान, अनुरोध शर्मा सर, सुमाना सर जी, अंकित रुक्माना, योगेश रुक्मा, प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के क्रम में आज छठी का पर्व मनाया गया। अनगढ़ हनुमान मंदिर में हरीरा और सौंठ के लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय पर पिछले 48 वर्षों से यहाँ पर भागवत की कथा जन्मोत्सव पर होती है, और उसी तारतम्य में कल भागवत का समापन हुआ है। आज भगवान की छठी का उत्सव है, तो सब गोपियाँ मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की छठी का उत्सव मना रही हैं। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम भागवत का और छठी उत्सव का चलते रहता है, तो इसलिए सभी को भगवान कृष्ण की बहुत बहुत बधाई के साथ में हमारे क्षेत्र छिंदवाड़ा में सब प्रकार से सुख और समृद्धि बनी रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रतिवर्षानुसार क्षत्रिय भवन प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव का आयोजन क्षत्रिय महिला समिति द्वारा किया गया। इसमें भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर 56 भोग लगाए गए एवं महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस छठ पूजन का आयोजन किशोरी लाल बरहिया की प्रेरणा और सहयोग से श्रीमती अमिता आशीष बरहिया द्वारा 6 वर्ष पूर्व समाज की महिला क्षत्रिय समिति का गठन करके प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, अंकुर शुक्ला, सत्येन ठाकुर, अभिलाष गौहर उपस्थित हुए।
तो मेरा आप सभी से निवेदन है, खास करके अपने जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, जिनको हम सिखाएं अपने धर्म के बारे में, क्योंकि आजकल का युवा, मैं अपने घर में भी देखता हूँ, मुझे लगे की बात नहीं करूंगा तो व्हाट्सएप होने निकालेंगे तो वीडियो गेम खेलेंगे या कोई अन्य दूसरी गतिविधियों में लगे रहते हैं और उनसे कहें कि चलो मंदिर चले, भागवत सुने या धार्मिक आयोजनों में जाएं, तो वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब तक हम लोग इसको सुधारेंगे नहीं, और इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा है कि जब कोरोना प्रथम लहर आई थी तो जब हम लोगों ने उस समय सारी गतिविधियां रुक गई थी, जब रामायण सीरियल चालू हुआ और घर में बैठ करके हम बैठे लोग टीवी में रामायण सीरियल देखना चालू किए तो बच्चे भी आकर के देखने लगे थे, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उस रामायण सीरियल से। आप लोग भी महसूस करते होंगे कि धीरे धीरे करके बच्चे भी उन चीजों में आ गए। तो अभी एक और चीज चल रही है, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, अभी अनुपमा चल रहा है, तो अनुपमा देखा अगर हम देखने बैठ गए तो बच्चे भी वही आकर के देखेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका कुछ प्रभाव, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, फिर बच्चे भी उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस तरीके से धार्मिक कार्यक्रम करें, कुछ ना कुछ तरीके से करते सर, साथ ही सत्तर वर्ष हुए हैं, 75 वर्ष हो रहे हैं, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो आजादी के बारे में भी अपने बच्चों को अवगत कराएं, यही मेरा सबसे निवेदन है। और मैं आपका, भाभी जी का और पूरी क्षत्रिय समाज की बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अंतर्गत छठ पर्व के शुभ अवसर पर छोटी बाजार चूना गली निवासी अभिषेक चौरसिया जी के घर में फूलों की होली का आयोजन किया गया। लाल की जय। हमारे चौरसिया निवास रायल चौक में विगत 5 वर्षों से हम कृष्ण भगवान की झांकी हमेशा बनाते हैं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये 2 साल से जो कोरोना की परेशानी चल रही है, बीमारी चल रही है, उसे जल्द से जल्द दूर करे और सबको निरोग रखे। जय कन्हैया लाल की। युवा भाजपा नेता शैलेंद्र यादव ने अपने जन्मदिन की खुशियां वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मनाई। इस अवसर पर स्मृति वृक्ष भी लगाए गए। समाज सेवी शैलेंद्र यादव जी का जन्मदिन है, आपके समक्ष आशीर्वाद लेने आए हैं। बस आप जी जी सही है। मच्छा जाना जय श्री राम, आशीर्वाद दो आपका, अच्छे काम करें। अच्छा अम्मा
राजकुमारी अम्मा का बर्थडे भैया का है ना। बस सर आशीर्वाद तो अच्छे काम करें हम लोग सभी युवा लोग। और कोई नहीं आ जाओ ले लीजिए आशीर्वाद दीजिए सब अच्छे काम करें हम लोग। वो भैया वृद्धाश्रम नहीं 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 वो मिलने आए उनसे ले लो। हाँ वो एक दादा को दे दादा तू आगे दे आज हम सभी युवा साथियों ने वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और यह संकल्प लिया है कि हम हर किसी के बर्थडे में हमारे जितने भी मित्र के बर्थडे में या जन्मदिन में हम लोग एक सामाजिक कार्यक्रम की पहल कर रहे हैं कि हम लोग फिजूल खर्च ना करके हम युवा साथी लोग आज की डेट में फैशन है डीजे बाजे ये वो लगाने के फिजूल खर्च करने से अच्छा हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अपना जन्मदिन बुजुर्गों के साथ सेलिब्रेट करें उनके साथ मनाएं उनका आशीर्वाद लें। उसी कार्यक्रम के दौरान हम लोग ने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। वृक्ष लगाकर आज अपनी प्रकृति अपनी धरती माँ इसके संरक्षण के लिए हम लोग ने शपथ ली है और हम लोग हर सामाजिक कार्य करेंगे। इसी के दौरान आज हमने वृद्धा आश्रम में आज फल वितरण के साथ वस्त्र वितरण किया बुजुर्गों को साड़ी वितरण किया। आज सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया उनके जो चेहरे खिले बहुत अच्छा लगा हमें कि बुजुर्गों का जो आशीर्वाद हमें मिला और उन्होंने हमारे इस काम की सराहना भी किया और इससे हमको और प्रेरणा मिलती है कि आगे भी हम ऐसे सामाजिक कार्य करते रहे। जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में टीकाकरण अभियान का क्रम निरंतर जारी है। पुलिस हॉस्पिटल में आज 223 नागरिकों को कोविड शील्ड के प्रथम एवं द्वितीय डोज का टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका निगम पुलिस प्रशासन सहित सामाजिक संस्थाओं का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा विरोध प्रदर्शन, रोड पर जलाया चूल्हा। बसंत कॉलोनी में ढही दीवार, चपेट में आई महिला घायल, जारी है इलाज। लंबा और लंबा होता इंतजार, बन रहा लावा, संयुक्त मोर्चा बड़े आंदोलन की तैयारी में। और प्रभु श्री कृष्ण हुए 6 दिन के, भक्तों ने मनाया छठी का पर्व, प्रभु को परोसे 56 भोग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।